सत श्री अकाल। अज असी पंजाब दे सारे पेपरां दे लई मोस्ट इंपोर्टेंट बुक साडा पंजाब करांगे। पाठ नंबर 4 पंजाब दा मध्यकालीन इतिहास दे विच गुरु ग्रंथ साहिब जी दे बारे जानकारी। गुरु ग्रंथ साहिब जी, गुरु ग्रंथ साहिब जी सिखां दा धार्मिक ग्रंथ है। इस विच 10 गुरुआं विच्चों 6 गुरुआं दी बाणी अते उस समें दे साधा संतां दीआं रचनावां वी हन। इस ग्रंथ की स्थापना श्री गुरु अर्जन देव जी ने 1604 ईस्वी विच कीती। भाई गुरदास जी ने गुरु साहिब नाल मिल के लिखण का कार्य पूरा किया। आरंभ विच इस नूं पोथी साहिब का नाम दिता गया सी। इस विच गुरु अर्जन देव जी अते उन्हां तों पहला होए 4 गुरुआं दे नाल नाल हिंदू अते मुस्लिम संतां दी बाणी दर्ज है। गुरु ग्रंथ साहिब नूं गुरमुखी लिपि विच लिखिया गया है। इस नूं 16 अगस्त 1604 ईस्वी नूं हरिमंदर साहिब दी नवीं इमारत विच स्थापित किया गया अते बाबा बुढ़ा जी नूं पहले ग्रंथी चुनिया गया। गुरु अर्जन देव जी ने निर्देश दिता कि दिन समय यह ग्रंथ हरिमंदर साहिब विच रखा जाए अते रात समय सोहिला पढ़न मगरों इस नूं उस कमरे विच जेड़ा गुरु साहिब ने गुरु का महल विखे अपने लिए बनवाया सी विखे लिया जाए। अज तक भी इस ग्रंथ को सवेरे इसे तरह हरिमंदर साहब विच लिया जाता है अते रात को अकाल तख्त विखे एक कमरे विच विश्राम लई रख्या जाता है। इस ग्रंथ का वर्तमान रूप पुरातन रूप तो काफ़ी वक्रा है। इस नूं गुरु हरगोबिंद जी द्वारा करतारपुर लिजाया गया अते उत्थों यह उन्होंने पोतरे धीरमल कोल चलिया गया। उदों तो यह उसे परिवार कोल ही है। गुरु गोबिंद सिंह जी ने गुरु अर्जन देव जी वल्लों तैयार किए गए स्वरूप विच गुरु तेग बहादुर जी की बाणी भी शामिल की। सो इस धार्मिक ग्रंथ के वर्तमान स्वरूप विच 6 सिख गुरुआं की बाणी दे नाल नाल हिंदू अते मुसलमान संतां ते भगतां दे दोहे भी शामिल हैं। इस ग्रंथ साहिब जी दे 1430 पन्ने हैं। गुरु गोबिंद सिंह जी ने व्यक्तिगत गुरु की रीति खत्म करते हुए गुरु ग्रंथ साहिब नूं गुरु थापिया ज्योति जोत समाण तो पहला उन्होंने निर्देश दिता कि गुरु ग्रंथ साहिब विच लिखी बाणी ही गुरु है। सो उन्होंने इस धार्मिक ग्रंथ नूं गुरु ग्रंथ साहिब जी का नाम दिता। यह सी पाठ नंबर 4 पंजाब दा मध्यकालीन इतिहास दे विच गुरु ग्रंथ साहिब जी दे बारे जानकारी। मिलते हैं अगली वीडियो दे विच 5 तख्तां दे बारे जानकारी दे विच। धन्यवाद।